हम लोग पढ़ रहे थे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, जिसमें दो वो रिएक्शन पढ़े थे ना, अरे पहला और दूसरा पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे तीसरा रिएक्शन, जिसका नाम कुछ है एसिलेशन ऑफ एमीन। एसिलेशन ऑफ एमीन रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है 1 डिग्री ठीक, और 2 डिग्री एमीन देता है, 3 डिग्री एमीन नहीं देता है। यानी कि एसिलेशन जो होता ना है, देखो एसिलेशन कहो या एसाइलेशन कहो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब एमीन का एसाइलेशन करेंगे ना, तो कौन कौन एमीन इसमें भाग ले सकता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री एमीन एसिलेशन क्रिया में भाग नहीं लेता है। इतना याद हुआ। अब देखो तो हम लोग एमीन में ले लेते हैं 1 डिग्री एमीन, तो इसको लिख सकते हैं आर बॉन्ड NH2, अरे 1 डिग्री एमीन है ना, 1 डिग्री एमीन। इसका कुछ करना है, एसिलेशन करना है, तो एसिलेशन करने के लिए एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराना रहता है। किसके साथ लिख देते हैं कुछ, CH3COCl को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब एमीन को काची करेंगे, एसिलेशन करेंगे, मानी कि एथेनॉइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो देखना क्या बनेगा, इधर दिखाई देगा ना। अब देखो पता होना चाहिए कि Cl कॉस्ट अट्रैक्शन होता है H से, तब निकल जाएगा कुछ NCl। तो यहाँ पर दो गो H है ना, तो एक में से अगर एगो H और यहाँ पर Cl, तो NCl का हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। NCl बाहर हो गया, और जब NCl बाहर हो गया तो यहाँ देखो क्या बचा हुआ है, R बॉन्ड N H, और एक बॉन्ड खाली है, इसके साथ ही वाला को पलट के जोड़ देंगे, यानी कुछ ऐसे का होगा, यहाँ से एमाइड बन जाता है। जैसे देखो एन पर कौन सी है, एल्काइल है ना, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एन एल्काइल, एन एन पर एल्काइल है ना, और इधर दो कार्बन है, तो इसको बोल देंगे एसीटामाइड। क्या बोलेंगे, एसीटामाइड, एसीटामाइड बोले थे ना, दो कार्बन को कॉमन नेम एसिड बोल सकते हैं, एसिड एसिड ना एसिड, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस निर्माण किसका होता है, एन एल्काइल एसीटा माइड का। अगला हम लोग का है रिएक्शन विथ कुछ नाइट्रस एसिड, अरे किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। तो नाइट्रस अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया कराना है, एमिन का, NO2, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या चीज बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट, और इसका अभिक्रिया कराना रहता है HCl से, किससे, HCl से। तो जब HCl से कराएंगे ना, तो देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बाहर हो जाएगा, अरे NaCl बाहर, अब बच जाएगा HNO2, HNO2, यही ना हो गया नाइट्रस एसिड। इसमें दो प्रकार का होगा, एलिफैटिक एमीन में भी होता है और एरोमेटिक एमीन में भी, तो हम इसमें A लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं एलिफैटिक एमीन। तो देखो एलिफैटिक एमीन यानी कि R बॉन्ड NH2 ले लेते हैं, हो गया एलिफैटिक एमीन 1 डिग्री एमीन, और हो गया ना, इसका अभिक्रिया किससे कराना है, HNO2 से। HNO2 कैसे प्राप्त होता है, तो जब NaNO2 और HCl को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है, इसको तीर पर ऐसा लिख सकते हैं, नहीं वो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ से क्या बनेगा, वही दिमाग लगाना है। तो देखो जी इसको हम तुड़ ताड़ के ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, अरे इसी तुड़कर देखो ना, ओ तो ओ एच ओ एन, तो देखो एक अब एक दो तो ओ टू और एच एन एच एन लिख सकते हैं ना। अब सुनो क्या होता है, यहाँ से H2, यहाँ से H2 और एकरा में से एक गो है ना, दो गो, तो एकरा में से एक गो, तो H2 और ओ बाहर निकल जाता है, यहाँ पड़ी कौची H2O, यहाँ पड़ी एन एगो है ना नाइट्रोजन, और एगो यहाँ पड़ी एन और एन दोनों मिलकर बाहरी N2 काची N2। अब जो बच गया वो अल्कोहल बचल होगा, देख लो यहाँ R है ना, और इसमें OH बचल है, तो ये किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, अल्कोहल का निर्माण हो जा सकता है। अब R के जगह हम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, अगर R के जगह मिथाइल लेते हैं तो यहाँ काची बन जाता है मिथाइल अल्कोहल, अगर R के जगह इथाइल लेते हैं तो यहाँ पर काची बन जाता है इथाइल अल्कोहल। अरे इतना में किसी को दिक्कत। अब दूसरा बी एरोमेटिक एमीन में, एरोमेटिक एमीन, तो देखना एरोमेटिक एमीन का सबसे फेमस एग्जांपल एनिलीन बताया था ना, NH2 एनिलीन हो गया, किससे अभिक्रिया कराते हैं, HNO2।
इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब एनिलीन को यानी कि एरोमेटिक एमिन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते ना तो यहाँ पर HCl भी भाग लेता है। क्या भाग लेता है? HCl भी भाग लेता है। तो यहाँ पर HCl दिखा दें और ये रिएक्शन जो होता है से आसानी से नहीं होता। यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 273 से 78 केल्विन। यहाँ पर रिएक्शन टेम्परेचर इस रिएक्शन में कितना होता है? 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन के बीच में। और जब एनिलीन को किसका सूत्र है? एनिलीन। तो जब एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते ना तो बनता है बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड। का चीज बनता है? इसका फॉर्मूला होता है 11th में बताइले होंगे N2Cl। इस इतना को बोलते हैं बेंजीन, ठीक ना। इसको बोलते हैं डायोजिनियम, इसको बोलेंगे क्लोराइड। और इधर निकल जाता है जल, ठीक ना। इधर का जो निकलेगा जल, यहाँ पर दो से गुना कर देते हैं संतुलित करने के लिए। दो दूनी चार, एक दो चार, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, ठीक है, संतुलित है, ठीक ना। इसका नाम काची हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन डायोजिनियम, डायोजिनियम क्लोराइड। यानी हम कह सकते हैं कि जब एरोमेटिक एमिन को मान कि एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। हो गया, तो उतारेंगे ना। इनका अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक, अल्कोहल मिला हुआ है मैंने दारू मिलल है केओएच में, ठीक ना। अल्कोहलिक केओएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें एक बात याद करना है, इसी को एक और नाम से जानते हैं कार्बल एमिन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बल एमिन रिएक्शन। अब देखो तो कार्बल एमिन रिएक्शन जो होता ना है केवल 1 डिग्री एमिन प्रदर्शित करता है, केवल 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री एमिन एलिफैटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है, ठीक ना, लेकिन रहेगा 1 डिग्री। इसके अलावा कोई भी एमिन कार्बल एमिन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले 1 डिग्री एलिफैटिक एमिन ले लेते हैं, तो R बॉन्ड NH2, अरे यही ना है 1 डिग्री एलिफैटिक एमिन। इसका अभिक्रिया केकरा से? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में कुछ अल्कोहलिक KOH AlC कोस्ट में ले लेते हैं। और इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, मैंने रिएक्शन कराएंगे। तो देखो इसमें क्या होता ना है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। तो देखो आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, ये देखो R बॉन्ड NH2 है ना, यहाँ से अगर H2 हट के और इसमें C जुड़ जाए तो हो जाएगा कि ना एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो कार्बल एमिन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? आइसोसाइनाइड का ही निर्माण होता है। तो देखो जी, अब दिमाग लगाओ कैसे का होगा, यानी कि हमने क्या यहाँ पर इसे कुछ H2 हटाना है, H2 हटाना है, तो H2 हटाने का ये दोनों काम करेगा। और H2 हट जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ पर सी कोची में से मिल जाएगा क्लोरो फॉर्म में। और लेकिन और दिमाग लगा सकते हैं, पहले देखो बनाते डायरेक्ट R बॉन्ड NC, ठीक, उसके बाद और कुछ निकलेगा, ध्यान दो, यहाँ से K और यहाँ से Cl, KCl निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब देखो आपको कहा कि यहाँ 3 गो क्लोरीन है, तो ठीक है 3 गो क्लोरीन है तो 3 गो पोटेशियम रहेगा, तो फिर यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना, संतुलित करने के लिए। अब उसके बाद देखो OH उधर H है तो जल निकल जाएगा, हैं, और यहाँ भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो कार्बल एमिन रिएक्शन क्या है? जब 1 डिग्री एमिन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, इसी अभिक्रिया को कार्बल एमिन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, यही एरोमेटिक वाला में भी हो सकता है, होता है ना। तो एरोमेटिक में ले लेते हैं कुछ एनिलीन, एरोमेटिक में एनिलीन यानी कुछ NH2, वही बात CHCl3, 3 गो कोची KOH गर्म करते हैं। तो देखो जी यहाँ पर इसे H2 हट के और C जुटेगा, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, रहोगा, इसका नाम बोल देंगे बेंजीन आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद क्या निकल जाएगा? KCl। तो यही आइसोसाइनाइड बन गया, और क्या है ना जी। अगला हम लोग का रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि एमिन का अभिक्रिया किसे कराएंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो इसका जो फॉर्मूला होता ना है C6H5SO2Cl, किसका फॉर्मूला है?
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ही फॉर्मूला है, तो इसी का अभिक्रिया केकरा से कराएंगे, एमीन से कराएंगे, ठीक ना। अब देखो इसमें एक बात याद रखना है कि इसमें 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन भाग लेता है, 3 डिग्री एमीन भाग नहीं लेता। इसका कारण है ना कि 3 डिग्री एमीन के पास हाइड्रोजन रहवे नहीं करता है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, ये हो गया बेंजीन और एक में जोड़ देते हैं SO2Cl हो गया कि ना, और ऊपर या कहीं यहीं पर भी जोड़ सकते हैं, अरे ये हो गया ना। या इसको भी अगर और संरचना थोड़ा सा बनाएंगे तो देखो ऐसे कर सकते हैं, अरे समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कोची बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं बेंजीन और SO2 और कोची Cl। अब देखो इसका अभिक्रिया पहले करा देते हैं 1 डिग्री एमीन से, ठीक ना, और उसके बाद करेंगे किससे, 2 डिग्री से। तो 1 डिग्री एमीन क्या होता है, RnH2 ही ना होता है। अच्छा इसको हम घुमा कैसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ कर देते हैं H, यहाँ कर देते हैं H और यहाँ कर देते हैं R, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ना, लिख सकते हैं। अब देखो जी अब क्या बनेगा, तो बताए थे कि हाइड्रोजन का अट्रैक्शन होता है कुछ HCl से, तो HCl बाहर हो जाएगा, पहले ही बाहर कर दें, बाहर कर दिए। अब देखो इसका यहाँ बॉन्ड खाली है, अभी आके काचू होगा, यहाँ पर ही जुड़ जाएगा, तो देखो कैसे जुड़ेगा, यहाँ है ना N, हाँ बोलो R और H, अरे ऐसा होगा कि ना हो जी, इसका नाम क्या होगा, तो N पर एल्काइल है ना, तो N एल्काइल, और इतना को बोलेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बोलेंगे सल्फोनामाइड। अरे अगला रिएक्शन है ना कि जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को 2 डिग्री एमीन के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक ना, तो 2 डिग्री क्या होता है बोलो, RnH, यही ना, या लिख सकते हैं RnH, यही ना जी, यानी 2 एल्काइल समूह रहेगा। तो ऐसा करते हैं एक एच हटा के यहाँ लगा सकते हैं कि ना, और इस एच को ऐसे रह देते हैं, तो यहाँ से एच और Cl को, HCl बाहर हो जाएगा और बाकी जाके यहाँ पर सटेगा, तो खाली अंतर यही होगा कि वाला एच की जगह क्या हो गया, आर हो गया। देखो एन पर 2 एल्काइल आ गया ना, गया तो नेम क्या लिखेंगे, एन एन डाई एल्काइल बेंजीन बेंजीन सल्फोनामाइड, तो वही बात है। और 3 डिग्री एमीन में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन, नो नो रिएक्शन, बताना नहीं करता है,